कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं जा रही हूँ शोरूम पर आज बहुत रिस्क लेकर दीदी की गाड़ी से। दीदी की गाड़ी का ना पिछला ब्रेक ही नहीं है, सिर्फ आगे वाला लगता है और मुझे आगे का ब्रेक लगाने की आदत ही नहीं है। तो उसमें ना सारी शोरूम की भी की है इसलिए मुझे लेकर जाना पड़ रहा है, वरना मेरी ले जाती है। कोई नहीं, रिस्क में ही इश्क है, चलते हैं। चलो मिलते हैं आपसे शोरूम पर जाकर। तो आ गए सही सलामत शोरूम, पहुँच गए आखिर। मैं अभी जा रही हूँ गन्ने का जूस लेने और नींद ही नहीं पूरी हुई है। आज रात भर से हम लोग जगे हैं। यहाँ से गई तो 12 तो बजी गई थी, 12 बजे खाना बनाने लगी और शिवम का कॉल आ गया कि बेटू हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ जाना है उससे मिलने, बट बाहर लॉक लग गया था तो फिर आंटी को भी इतने लेट नहीं उठा सकते थे कि हम लोग जा रहे हैं। तो फिर वेट करते रहे, क्या करें क्या करें सोचते रहे। 2 बज गई 3 बज गई, फिर मन नहीं माना, आखिर 4 बजे तो फिर गए। फिर उससे मिलकर आए 5 बजे, फिर 6 बजे नल आ गया था, फिर मैंने पानी भरा, फिर क्या 1-2 घंटे सोए, 9 बजे उठ गई। तो एकदम ऐसा नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत नींद नींद लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। दो तीन घंटे की नींद हुई है, बस बड़ी मुश्किल से खाना खाया, अब जूस पीते हैं। शोरूम का ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अभी लेने आए हैं गन्ने का जूस क्योंकि दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको जूस पीना है। तो हम लोग आए हैं सैंडविच खाने, चौपाटी। बहुत दिन से नहीं सैंडविच खाया, एक बार खाया था मुझे टेस्ट ही अच्छा लगा था, फिर मैं दोबारा आई नहीं गई थी, बोले कि अच्छा टेस्ट है एक बार। तूने कौन सा खाया था? मसाला, तभी नहीं अच्छा लगा, अभी वो खाना भेजी था, मज़ा नहीं आया था प्लेट को। भेजी की भी सुन लेनी चाहिए कभी कभी। नहीं मेरे को अच्छा लगा था, हो सकता है भूख भी लगी थी, अभी भी भूख। हाँ ये भी है, भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। हेलो विकास, कैसे हो? मेरे डेली ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू डियर, और तुम्हारा नाम लेना भूल गई थी उसके लिए सॉरी, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। इधर आ गया सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच है, ये ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसा लगता है। खा के तो देख अच्छा लगेगा। आते हैं ये अंकल के पास और सबसे अच्छा हमको यहीं के लगते हैं मोमोज, गौरव फास्ट फूड। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा खाना बन चुका है, मैंने बनाए हैं दाल चावल और रोटी, और अभी बज गए हैं 1। मैं आई थी 9:30 बजे, आज जल्दी आ गई थी घर पे, आई और आते से सो गई, फिर क्रेजी के 11:30 बजे क्रेजी की छुट्टी हुई, उसके बाद मेरी नींद खुली कि उठना भी है, फिर उठी और फिर खाना बनाया। तो अभी तो हम लोग, अभी क्रेजी का एडिटिंग चल रही है, फिर नहाना चलेगा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, मतलब 2-3 तो बजना तय है डेली का, इसलिए मैं सो गई ना, मैंने अच्छा किया, नींद भी आने लग गई। इतनी लेट तक क्रेजी का सोना चलता है ना, फिर अभी नींद आती रहती, पता नहीं कैसी कैसी आदत है, बहुत नींद आती है। मुझे पता ही था क्रेजी के आने के बाद ना 2-3 तो बजना तय है, बस ऐसे ही टाइम पास चलता रहेगा, फ़ोन चलाना, रील देखना, एडिटिंग करना, इसलिए मैं सो गई थी। खाना वैसे भी जल्दी बना के मतलब नहीं है। अभी मेरा खाना बन चुका है, खाना खा ले, अभी नहाएंगे, फिर 2-3 बजे जब तक मेरी भूख ही मिट जाती है इतनी लेट तक।
खाना खाने में। देखो बारह से चालीस हो गई। क्या कहीं समझ थोड़ी नहीं पड़ी क्या बोला? इसका लाइट कम कर। तो गाइज आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल।